हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद कंचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल कटलेट, जो कि बहुत हेल्दी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। या फिर आपके यहाँ मेहमान भी आ जाएँ तो आप इसे झटपट बना के सर्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले देखिए इसका टेक्सचर इतना सुंदर आया हुआ है, इतना अच्छा आया हुआ है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये दिखने में जितना सुंदर, खाने में भी बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से बना कर इसे भी इंजॉय करें। इसके लिए चेक करना लेना है, कढ़ाई को हीट करें, पैन को हीट करें, आप 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करें। आधी छोटी चम्मच आप जीरा ऐड करें। इसके बाद चॉप किए हुए 1 कप ऑनियन ऐड करें, और जितनी ही मात्रा में आप ऑनियन ऐड करेंगे आपको उतनी ही मात्रा में सारे वेजिटेबल्स भी ऐड करने हैं। सबसे पहले ऑनियन थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें ऐड करना है हमें। कटे हुए वेजिटेबल्स, ये मैंने कैरेट ऐड कर दिया है। बारी बारी से मैं सारे वेजिटेबल्स को ऐड करूँगी। जो वेजिटेबल थोड़ा लेट से पके उसे मैं थोड़ा पहले ऐड की हूँ। इसमें फ्रेंच बीन, फ्रेश बीन भी जिसको कहते हैं, उसको ऐड किया है मैंने। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चुकंदर, बीटरूट, आप चाहे तो कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे ग्रीन सब्जियों को आप डाल सकते हैं। कैप्सिकम का मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें ऐड नहीं की हूँ। अच्छे से इसे मिक्स करें। इसके बाद हम इसमें ऐड करना है अदरक और कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने अकॉर्डिंग डालें। मैं इसमें थोड़ा ग्रीन चिली कम डाल रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया अदरक, और थोड़ी सी ग्रीन चिली भी मैं इसमें ऐड करूँगी। थोड़ी देर पकने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक डालने के बाद इसे सॉफ्ट होने के लिए 2 मिनट तक हमें फ्राई करना है इसे। मैंने सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है इसमें क्योंकि मुझे इसमें मैश किए हुए पोटैटो भी मिक्स करने हैं, तो मैंने एक बार ही सारा सॉल्ट ऐड कर दिया है। आप धीरे धीरे करके ऐड करें अगर अंदाजा नहीं रहा तो। अब हम इसमें ऐड करने हैं मसाले, तो मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 छोटी टेबल स्पून, थोड़ी सी धनिया पाउडर 1 छोटी टेबल स्पून, और 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इसे 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है बॉयल मैश किए हुए पोटैटो। आधा मैं लेमन जूस भी इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला। 1 मिनट से मसाले को फ्राई करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें पोटैटो मैश किया हुआ। ऐड कर रही हूँ आलू, इसमें मैंने 3 छोटे छोटे आलू मैश किए हुए डाले हैं, बॉईल करके रखा हुआ था मैंने, उसे मैंने ऐड किया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर लीफ, धनिया की पत्ती, इसे मिक्स करने के बाद थोड़ी देर हमें इसे ठंडा होने देना है, फिर इसकी शेप्स बना लेने हैं हमें।
मेरा ऑयल गर्म हो चुका। यहाँ मैंने लिया थोड़े ब्रेड क्रम्स और ऑल पर्पस फ्लोर कोटिंग के लिए, और मैंने इस तरह का शेप दिया है। आप चाहें तो इसे गोल शेप भी दे सकते हैं, या तो फिर आप इसे थोड़ी सी फ्लैट करके भी शेप दे सकते हैं। अब हमें इस फ्लोर में पानी ऐड करना है, थोड़ा सा नमक, उसके बाद इसका थीन बैटर तैयार करना है हमें, पतला बिल्कुल कोटिंग के लिए। और ये मैदा है तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचें कि ये अनहेल्दी है, हमें इसे बस बाइंडिंग एजेंट के लिए इस्तेमाल करना है। तो आप इसकी जगह से फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हीट फ्लोर, लेकिन मैं यहाँ बाइंडिंग के लिए ले रही हूँ, ये ज़्यादा बेटर होता है। तो ये बिल्कुल मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी में आप इसे तैयार करें। अब मैंने जो शेप्स दिया था उसको मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरह से आप कोट करें, उसके बाद आप ब्रेड क्रम्स में डालें और इस तरह से कोट कर लें इसे बिल्कुल इस तरह से। बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। बिल्कुल इसी तरह से कर लें सारे इकट्ठे। तब तक मैंने उधर ऑयल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। मेरा ऑयल भी लगभग गर्म हो चुका है। मैं सारे एक एक करके इसी तरह से सारे रेडी कर लूँगी। उसके बाद हमें इसे फ्राई करना है। आप घर में इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला ये नाश्ता है। बच्चों को भी पसंद आता है, तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं। और मेरा अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह से आप चलाते हुए इसे फ्राई करें चारों तरफ से पलट पलट कर। बस ये देखिए, इसी तरह से मेरा वेजिटेबल कटलेट रेडी हो चुका है। तो आप घर पर इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा बना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है। तो प्लीज़ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Enjoy this cutlet.